नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी चैनल डेल्टा ट्रेडिंग ऑफिशियल में। तो चलिए इस वीडियो में बात करेंगे कि निफ्टी का आज फ्राइडे के दिन इंट्राडे में मोमेंटम कैसा था और उसे अपन कैसे कैप्चर कर सकते थे, और उसके बाद बात करेंगे मंडे के लिए इंट्राडे के लिए ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स अपन को देखने को मिल सकते हैं जिनके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे एक अपन को बहुत अच्छी मोमेंटम देखने को मिल सकती है। तो चलिए इस प्राइस एक्शन वाले एनालिसिस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, जहां पे आपको डेली निफ्टी और बैंक निफ्टी के प्रेडिक्शंस की वीडियो मिलती है, और साथ में हर सैटरडे को हम वीकली एनालिसिस डालते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का, और संडे को क्रूड ऑयल की वीकली एनालिसिस और नेक्स्ट वीक के लिए इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो ऐसे एजुकेशनल कंटेंट के लिए हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब। तो दोस्तों, अपन ने निफ्टी के 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम के चार्ट में और फ्राइडे के दिन एक अपन को पॉजिटिव ओपनिंग देखने को मिली थी, जो कि थी अराउंड 60 पॉइंट्स के आसपास की। उसके बाद अगर अपन देखेंगे तो एक अपन को एक रेंज बाउंड मार्केट ही देखने को मिला। ये छोटा सा अप मूव अपन को मॉर्निंग के सेशन में देखने को मिला था, पर ऐसे साइडवेज मोमेंटम अपन को कोई भी ट्रेंडिंग मूव देखने को नहीं मिली है। और यहाँ पे अपन को एक चार्ट पैटर्न भी बनते हुए देखने को मिलता है। इस चार्ट पैटर्न का नाम आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ये एक ट्रायंगल चार्ट पैटर्न है, और जैसे ही इसका ब्रेकडाउन देखने को मिला है वहाँ से एक अपन को एक अच्छा डाउन साइड का एक स्कैल्पिंग मूव देखने को मिला है, जो कि हमें ब्रेकडाउन 12:15 वाली कैंडल से देखने को मिला है। और यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो अराउंड 98 पॉइंट्स का एक डाउन साइड का मोमेंटम देखने को मिला है। तो इस चार्ट पैटर्न का नाम आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और उसके बाद देखेंगे तो हमें वापस से उस रेंज के अंदर वॉलेटिलिटी वाला मोमेंटम देखने को मिला, और लास्ट में हमें निफ्टी क्लोजिंग अराउंड 24,000 के जस्ट ऊपर देखने को मिली है। तो ये था निफ्टी का फ्राइडे के दिन का इंट्राडे का मोमेंटम का एनालिसिस। अब चलिए पहले चलते हैं डेली टाइम फ्रेम में, और वहाँ देखेंगे कि लॉन्ग टाइम फ्रेम में कैसा क्या प्राइस एक्शन बना रहा है निफ्टी। तो दोस्तों, अब आ गए निफ्टी के डेली टाइम फ्रेम के चार्ट में, और यहाँ पे अपन को देखने को मिलेगा पिछले 4 दिनों से लगातार हमें ग्रीन कैंडल बनती हुई देखने को मिली थी, और जो फ्राइडे के दिन की कैंडल है वो एक अपन को एक डाउन साइड की, या फिर बोल सकते हैं एक बेरिश कैंडल बनती हुई देखने को मिली है। अब जो इंपॉर्टेंट लेवल अपन को सपोर्ट की तरह काम करते हुए देखने को मिलेगा पहले, या फिर बोल सकते हैं जो अपना अगला सपोर्ट देखने को मिल सकता है, वो है 23,876 का लेवल। अगर इसको ही ब्रेक डाउन करता है तो फिर हमें एक डाउन साइड की मोमेंटम देखने को मिल सकती है, जिसमें कि फिर सीधा टारगेट अपना 23,671, जो कि हमें ब्रेकआउट लेवल देखने को मिला था, यहाँ तक का हमें देखने को मिल सकता है। बुलिश मूव की बात करें तो बुलिश मोमेंटम तभी देखने को मिलेगा जब इस लेवल के ऊपर हमें ब्रेकआउट देखने को मिले, जो कि अराउंड 24,174 का लेवल, जो कि हमें ऑल टाइम हाई लेवल भी देखने को मिला है। अगर इस लेवल के ऊपर हमें ब्रेकआउट करता है तो एक अपन को बुलिश मोमेंटम ऊपर की तरफ कंटिन्यू होते देखने को मिल सकता है, जिसमें फिर जो अगला टारगेट रहेगा वो रहेगा 24,500 का साइकोलॉजिकल लेवल। और जब तक इन दोनों लेवल्स के बीच में मोमेंटम करें, यहाँ पे एक अपन को वॉलेटाइल मूव या फिर बोल सकते हैं एक साइडवेज मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो ये था निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम एनालिसिस कि अपन को आने वाले दिनों में कैसा क्या मोमेंटम और कहाँ तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अब चलिए चलते हैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में, और वहाँ डिस्कस करेंगे मंडे के लिए इंट्राडे के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स। तो दोस्तों, अपन आ गए निफ्टी के 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम के चार्ट में। सबसे पहले अपन बात करेंगे कि बेरिश मोमेंटम अपन को कहाँ देखने को मिल सकती है। अब डाउन साइड की मूवमेंट अपन को तभी देखने को मिलेगी जब ये वाला लेवल ब्रेक डाउन करे, जो कि है 23,985 का लेवल। अगर इसके नीचे ब्रेक डाउन करता है निफ्टी, तो एक हमें डाउन साइड की मोमेंटम मंडे के दिन देखने को मिल सकती है, जिसमें कि जो अपना फर्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा 23,913 का लेवल, और अगर इसको भी ब्रेक डाउन करता है तो सीधे फिर अपना अगला टारगेट 23,850 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, और जो अपना थर्ड टारगेट रहेगा वो रहेगा फिर सीधे 23,800 का लेवल, और अगर इसको ही ब्रेक डाउन करता है तो फिर जो अपना सीधे फाइनल टारगेट रहेगा वो रहेगा फिर सीधे 23,720 के आसपास का लेवल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स थे डाउन साइड में, अगर 23,985 के लेवल को डाउन साइड में ब्रेक डाउन करता है निफ्टी। तो अब चलिए देखते हैं बुलिश मूवमेंट अपन को कहाँ देखने को मिल सकती है। बुलिश मोमेंटम अपन को तभी देखने को मिलेगी जब इस लेवल का ब्रेकआउट हो, जो कि है अराउंड 24,135 का लेवल। अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है निफ्टी, तो एक अपन को यहाँ से बुलिश मोमेंटम ऊपर की तरफ कंटिन्यू होते हुए देखने को मिल सकती है, जिसमें कि जो अपना फर्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा ऑल टाइम हाई लेवल, जो कि है 24,174 का लेवल, और अगर इसको भी ब्रेकआउट करके सस्टेन करता तो सीधे फिर जो अपना अगला टारगेट रहेगा वो रहेगा 24,250 का लेवल, और अगर ये लेवल का भी ब्रेकआउट होता तो फिर सीधे जो अपना अगला टारगेट रहेगा वो रहेगा फिर सीधे 24,325 के आसपास का लेवल, और अपना फाइनल टारगेट रहेगा फिर सीधे ये वाला लेवल, जो कि अराउंड 24,400 का लेवल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स थे अपसाइड में, अगर 24,134 के लेवल को अपसाइड में ब्रेकआउट करता है निफ्टी। तो अगर निफ्टी इस रेंज में ट्रेड करे, जो कि है ये वाला रेंज, तो यहाँ पे एक अपन को साइडवेज मोमेंटम देखने को मिल सकता है, और ऐसे साइडवेज मोमेंटम अपन को प्रीमियम डिके भी देखने को मिल सकता है। तो इसलिए ऐसे जोन में ट्रेड करने से बचे जहाँ अपन को कोई भी ट्रेंडिंग मूव देखने को ना मिले, और किसी डायरेक्शनल मूव के लिए या तो पहले अपन इस लेवल के ब्रेकआउट होने का वेट करेंगे, जो कि अराउंड 24,134 का लेवल अपसाइड में, या फिर डाउन साइड में 23,985 का लेवल ब्रेक डाउन करे, तो एक अपन को बहुत अच्छी मोमेंटम देखने को मिल सकती है जिस तरफ भी ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन करे निफ्टी। अब चलिए देखते हैं कोई इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन बन के आ रही है क्या, तो उसे भी अपन मार्क करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अगर अपन अपसाइड से ट्रेंड लाइन बनाएंगे तो ऑल टाइम हाई के लेवल के पॉइंट से ऐसे एक्सटेंड करेंगे, तो एक अपन को अच्छी ट्रेंड लाइन अपसाइड में देखने को मिल रही है। और यहीं अगर अपन डाउन साइड से कोई अगर ट्रेंड लाइन मार्क करें
तो अगर अपन इस पॉइंट से ट्रेंड लाइन बनाना शुरू करें और ऐसे एक्सटेंड कर दें तो एक अपन को डाउन साइड के लिए भी एक अच्छी ट्रेंड लाइन देखने को मिल रही है। तो जिस तरफ भी निफ्टी इन ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करे उस तरफ एक अपन को अच्छी मोमेंटम देखने को मिल सकती है। तो इस इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन को आप अपने चार्ट में जरूर मार्क करें और किसी बड़े गैप अप या फिर गैप डाउन ओपनिंग के सिनेरियो में अपन को कुछ अच्छे प्राइस एक्शन के बनने का वेट करना पड़ेगा या फिर कोई एक हमें अच्छी रेंज बनती हुई देखने मिले, जैसे कि 15 मिनट्स की रेंज या फिर 1 आवर रेंज, और उस रेंज के अंदर अच्छा हमें कंसोलिडेशन देखने मिले और उस कंसोलिडेशन के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे एक अपन को अच्छी मोमेंटम देखने को मिल सकती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको लेवल्स और एनालिसिस समझ में आएगा और आप इन लेवल्स को अपने चार्ट पे मार्क करके रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट के हिसाब से एजुकेशनल यूज के लिए मार्क करेंगे। हमारे फ्री एजुकेशनल टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन करें जहाँ हम इंटरडे के लिए लेवल्स, ट्रेंड लाइंस और एजुकेशनल चार्ट्स पोस्ट करते हैं। तो हमारे फ्री एजुकेशनल टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन करें। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।